ऊर्जा का एक प्राकृतिक चढ़ाव होगा। ये रीढ़ के कमर वाले हिस्से को जबरदस्त तरीके से सक्रिय कर देता है, पूरी रीढ़ की मांसपेशियों को मजबूत कर देता है। आप देखेंगे कि आपकी बुद्धि की तीव्रता में एक अंतर आ जाएगा, सिर्फ इसलिए कि आप कुछ सरल सी चीजें कर रहे हैं। आखिरकार जो कुछ भी आप अपने जीवन में करना चाहते हैं उसे लेकर आप में कितनी स्पष्टता है, इसी से सब तय होता है। हमेशा ऐसा होता है, हाँ या ना? अगर आप में स्पष्टता नहीं है तो आप आत्मविश्वास से इसकी भरपाई करने की कोशिश करेंगे। आत्मविश्वास स्पष्टता का एक बहुत ही खराब विकल्प है। यह ऐसे है मानो कोई व्यस्त हाईवे है, गाड़ियां तेज रफ्तार से दौड़ रही हैं, आपकी नजर साफ नहीं है पर आप में आत्मविश्वास है। आप अपने राशिफल की ओर देख सकते हैं, आप जानते हैं राशिफल, तो आप कह सकते हैं मेरा राशिफल कहता है मैं 90 साल तक जीऊंगा, मुझे कुछ नहीं होने वाला, और आप शायद रास्ता क्रॉस कर लें, या किसी नारे के इस्तेमाल से आत्मविश्वास पैदा कर सकते हैं। आप जय श्री राम कह सकते हैं, आप अल्लाह अकबर कह सकते हैं, हेल मैरी, जो भी आप चाहें, जो भी आपकी मदद करता हो, जोर से नारा बोलिए और आगे बढ़ जाइए। ये काम कर सकता है। संयोग से या किसी ड्राइवर की करुणा के कारण। लेकिन हर रोज अगर आप इसे आजमाते हैं तो हमें पता है कि आप कहां मिलेंगे। एक दिन शायद आप विश्वास के भरोसे पार चले जाएं, तो आत्मविश्वास स्पष्टता का विकल्प नहीं है। इफ यू वॉन्ट टू डू एनीथिंग सक्सेसफुली यू मस्ट हैव क्लैरिटी, इजंट इट? अगर आप कुछ भी सफलतापूर्वक करना चाहते हैं तो आप में स्पष्टता होनी चाहिए, है ना? अगर स्पष्टता लानी है तो सबसे महत्वपूर्ण चीज है आपकी रीढ़ को एक निश्चित अवस्था में होना चाहिए, क्योंकि आपका बोध बड़े पैमाने पर वहीं से तय होता है। देखिए, रीढ़ केवल एक भौतिक पदार्थ नहीं है, इसके द्वारा सूचनाएं भेजी जाती हैं। यह गहरा संचार नेटवर्क है। अगर आप इसे खो देते हैं या अगर यह असंवेदनशील हो जाती है तो आप नहीं जानते आप क्या खो रहे हैं। आप कुछ ऐसा खो रहे हैं जो अद्भुत है। तो यह सिर्फ शरीर का एक हिस्सा नहीं है, यह हमारे सिस्टम में होने वाले संचार का आधार है, है ना? मेरुदंड यानी रीढ़ अकेली वस्तु नहीं है, यह कई चीजों का जटिल मेल है। हर रोज इसे तानना जरूरी है। अगर यह खुद में घुस जाए तो रीढ़ की संचार क्षमता आमतौर पर खो जाती है। तो ये योग नमस्कार रीढ़ के कमर के इलाके को जबरदस्त तरीके से सक्रिय कर देता है। ये रीढ़ की मांसपेशियों को मजबूत करता है, रीढ़ को ताकतवर बनाता है, ताकि उम्र बढ़ने पर रीढ़ के झुकने से जो नसों में दर्द होता है उससे बचा जा सकता है। और अगर पहले से ही नुकसान हो चुका है तो आपकी रीढ़ को फिर से नया करने का सबसे अच्छा तरीका योग नमस्कार होगा। इसके फायदे पूरे शरीर में होते हैं। योग नमस्कार अपने आप में एक बहुत ही सरल और संपूर्ण प्रक्रिया है, ऊर्जा का एक प्राकृतिक चढ़ाव होगा। आपको बस अपने पांवों को एक साथ रखकर और उकड़ू बैठना होगा। तो उकड़ू बैठना सबसे अच्छा है अगर आप अपने पंजों को एक साथ रखकर बैठ सकते हैं। आप में से ज्यादातर ऐसा नहीं कर सकते, फिलहाल बहुत कम लोग कर पाएंगे। हम बहुत ज्यादा ऊर्जा नहीं चाहते, तो अगली सबसे अच्छी चीज है कि आप अपने पैरों को कंधों की सीध में रखें, उतनी ही दूरी पर जितनी आपके कंधों की चौड़ाई है। आप 21 बार कर सकते हैं, 21 करने के लिए एक अच्छी संख्या है। अगर आप उतना नहीं कर सकते
तो 7 से शुरू कीजिए, धीरे धीरे। हर 2 दिनों पर अगर आप 1 बढ़ाते हैं तो लगभग 40 दिनों में आप 21 पर पहुंच जाएंगे, जो एक अच्छी संख्या है। आप देखेंगे कि इससे आपकी काम करने की क्षमता में एक जबरदस्त अंतर आएगा। अगर आपकी बुद्धिमानी, आपकी बुद्धि की तीव्रता को मापने का कोई तरीका हो तो आप अंतर आता हुआ देख पाएंगे, सिर्फ इसलिए कि आप रीढ़ को आराम देने और उसे सक्रिय करने के लिए कुछ आसान सी चीजें कर रहे हैं।